चलिए ओके ठीक है, शो अभी शुरू नहीं हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मजिशियंस की टीम है उनके जोकर के बारे में हमें पता लगाना है, समझ गए? अरे मीरा कहाँ गई? पता ना। मीरा? ये बाप रे बाप जी, आज आप भी जादूगर हैं क्या जी? नो। तुम कहाँ चली गई थी? मैडम सर, मैंने स्टोर रूम, स्टाफ रूम, बैक एरिया और कॉरिडोर सब चेक कर लिया है, नो जोकर फाउंड। अभी 13 कमरे और 2 हॉल और बचे हैं, आप कहें तो मैं 1 मिनट 22 सेकंड में उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। ऑन योर ऑर्डर्स। नहीं नहीं, नो 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 ऑर्डर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम नहीं चाहते किसी को भनक भी पड़े कि पुलिस की टीम में एक मशीन साथ में, और वो भी ऐसी मशीन जो फ्यूचर देख सकती है, इसलिए प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी और यही ऑर्डर है, क्लियर? ओके ओके, चलिए इस जोकर को ढूंढते हैं, लेट्स गो। My name is Zoro. I am the best magician. He is lying. He is not the best. In fact, he is an average performer. जो ये कर रहे हैं वो magic नहीं, tricks हैं, जो कि आप में से कोई भी बच्चा थोड़ी practice करके आसानी से कर सकता है। माफ कीजिएगा मैडम, मैं बहुत respect करता हूँ पुलिस की, खासकर महिला पुलिस की, जिसे आप मामूली trick समझ रही हैं ना, पूरी उम्र निकल जाती है सीखने में, इतना आसान नहीं है सब। मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट और सुपर एडवांस्ड हूँ। ऐसा है तो मेरा सामान रखा हुआ है, मेरे से आप अच्छा जादू करके दिखाइए। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। इस पानी का कलर क्या है? अब इस पानी का कलर मैं आपको व्हाइट करके दिखाऊंगी। ये पानी का ग्लास, ये खाली ग्लास। पानी का कलर व्हाइट। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ। ये दोनों डब्बे खोल के देखिए। क्या इसमें कुछ है? बंद कर दीजिए। आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। अब आप दोनों उस बॉक्स को खोलिए और आप उस बॉक्स को खोलिए। मीरा पकड़ो उन्हें। You are under arrest. मैडम हम ले आए जोकर। अरे कब से अंदर बंद करके रखे थे, कब शो शुरू होगा? वो क्या रहा है, पुलिस क्यों आई है? बस किसी तरह एक केस आ जाए और उसे हम अपने बलबूते पर सुलझा के दिखा दें, तो फिर हम अपने पोते पोतियों से कह सकेंगे कि ये तुम्हारी पू दादी जो है, उसने जिंदगी भर अपनी ड्यूटी पर सिर्फ डंडे नहीं घुमाए, केस भी सुलझाए हैं। सुन भी रहे हो हमारी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। तो उठा, नेचर कॉल है, पेट में भूचाल, तो जाओ ना। हाँ मैं चला गया और माँ कल की तरह बिना बताए चली गई। तो नहीं, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगी ना माँ। पगला गए हो तुम, हम क्यों जाएंगे कहीं भी मुंह उठा के? अरे हमारे जाते कोई केस विस आ गया तो
जाओ जाके आओ। जाओ। प्लीज। लगता है केस आ गया। महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? रिपोर्ट लिखानी है ना? नहीं तो फिर क्या? क्या क्या काम क्या है आपका? बचाओ! बिल्ली! नहीं, 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 नहीं। मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं आप? मैं नंदन जनरल स्टोर से हूँ, मुझे ये चाकू इस पते पर डिलीवर करने हैं। आम जाओ भाई, जाओ बाहर जाके किसी से पूछो। आम जाओ ना। शिव जी, क्या है ये? बस एक केस दे दीजिए ना, आपके बच्चे की जिंदगी सवर जाएगी। और कल तो बात हो गई थी ना हमारी आपसे, तो फिर हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैं मदर मार्था बोल रही हूँ, मदर ब्लेस अनाथ आश्रम से। हाँ जी, बोलिए बोलिए, हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाने से, बोलिए। हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए मैजिक शो होने वाला है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉप मिसिंग है, टारगेट विल बोर्ड। पता नहीं किसने चुरा लिया, मिसिंग है, कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने लिया भी है तो ये इसका क्या करेगा वो? देखिए पुष्पा जी, अभी के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, अब हम उसके बिना कैसे करेंगे ये शो? आप पुष्पा जी एक बात बताइए, आप इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकती है? हाँ हाँ, जरूर मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारा काम ही यही है। आप निश्चिंत रहिए, ये केस हम ही सुलझाएंगे अकेले। बदनाम की दुकान में टारगेट बोर्ड जैसा ही कुछ दिखा था, बल्कि हमें तो लगता है कि हमने किस सुलझा ही दिया है। हाँ, हमें पता है वो बोर्ड कहाँ है, हम सीधा बोर्ड लेकर ही आते हैं। थैंक यू सो मच। ये यहाँ कैसे आया? खैर हमको क्या, हमें तो मिल गया ना। बदनाम, बदनाम! ओ पुष्पा जी, इस बदनाम को याद कैसे किया आपने? हो गई बकैती, मजदूरों को बुलाओ, ये लेकर जाना है यहाँ से। मजदूर? नो मैच, इनमें से किसी का भी फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर मेरे सिस्टम में स्टोर्ड फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। मालूम है मुझे, मंगत ने भेजा ना आपको, धंधे में मेरा कॉम्पिटिटर है वो, उसी ने कहा होगा कि मेरे जोकर किसी काम के नहीं है, मुझे वो नीचा दिखाना चाहता है ना, ताकि वो सारा शो हड़प ले। अमाओ, बकैती बंद करो, हम अपना जोकर ढूंढ रहे हैं। अपना जोकर? आप प्लीज चुप रहिए, एक सेकंड, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब एक जैसे नजर क्यों आ रहे हैं। एक जैसे तो लगना ही पड़ता है ना मैडम, तभी तो जादूगर ऑडियंस की आंखों में धूल झोंक पाएंगे। उसे धूल झोंकना नहीं कहते, उसको हाथ की सफाई कहते हैं। कुछ तो अपने जादूगर की इज्जत रखो बेटा, शो में रहना है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों का हो गया। सर, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? टारगेट बोर्ड गायब हो गया। बोर्ड कहाँ जा सकता है? पता नहीं सर, जहाँ था वहाँ तो है ही नहीं, हर जगह देखा मैंने। अब ये क्या मुसीबत है, कितना इम्पोर्टेंट सामान था वो, उसके बिना शो हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, टारगेट बोर्ड गायब हुआ, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? मैडम, ये टारगेट बोर्ड गायब हुआ है ना, हमारा ही कारनामा है। का? मैडम, हम और बिल्ला मिलकर ना ये टारगेट बोर्ड को बदनामों की दुकान में छुपा दिए थे। पर काहे? ये पुष्पा जी के जान में कोई खतरा ना हो ना, इसलिए। एक मिनट, अगर पुष्पा जी और वो टारगेट बोर्ड अगर एक ही जगह पर है, इसका मतलब मीरा का प्रेडिक्शन सही होने वाला है। लगा लो, पुष्पा जी को फोन लगाओ, जल्दी आइए। मैडम सर, पुष्पा जी फोन नहीं उठा रही। मैडम सर क्या? हाँ ठीक है, बिल्लू को फोन ट्राई करो, वो दोनों वहीं हैं थाने में, साथ में होंगे, और स्पीकर पर डालो। रॉन्ग थ्योरी,
मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर पुष्पा जी पे हमला होगा तो यही ऑर्फनेज में होगा, चाय के स्टॉल पर नहीं। तुमने किया था ना स्कैन सारे जोकरों को, कुछ मिला नहीं ना? कहीं का बात कहीं जोड़ रही हो, कुछ भी देख रही हो, तुम्हारी मशीनरी खराब है सच में। नहीं मतलब पुष्पा जी थाने के पास है, टारगेट बोर्ड थाने के पास है, अगर जोकर वहाँ हुआ तो फिर करती रहना अपनी प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, समझ लो हमारी बात को। देखो जोकर का जो होगा सो होगा, लेकिन अगर पुष्पा जी को खराश भी है ना तो तुमको ऐसा ऐसा चिपका के ना एकदम तुम्हारे ऊपर हमें रोक यानी तल दी तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, तुम ध्यान रखना। हेलो मैडम, मैडम मैडम सर बिल का फोन लगे, बिल का फोन। हाँ हेलो बिल्ले बिल्ले हेलो। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे हम सिग्नल पकड़े हुए हैं, तुम बाहर निकलो, सिग्नल पकड़ कर तुम मत आओ। अरे नहीं नहीं बाहर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मतलब? क्लाइमेक्स चल रहा है। देख रहे मैडम सर कितना कितना गिरा हुआ नीच इंसान है, यहाँ पर किसी के जान पर बात बनाई है, इसको फिल्म का पड़ा हुआ। अरे आएगा तुम बाहर करेगा नौटंकी? दो मिनट बारह के बाद करता हूँ। बिल्ले हेलो। बाप रे हेलो, क्या करें मैडम सर इसका। ठीक है चलिए वापस थाने चलते हैं, चलिए जल्दी। मीरा जी स्कैन। नो मैच, ये वो जोकर नहीं है जिसने पुष्पा सिंह पे हमला किया है। हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैडम ये जोकर साहब को हमने बुलाया है ये बच्चों का एंटरटेन करने के लिए। अरे मुझे करना ही नहीं है एंटरटेनमेंट, मैं जा रहा हूं। अरे हमारा पैसा कहां है? अरे मेरे पास नहीं। ओके कम से कम खुशी की बात ये है कि पुष्पा जी सेफ है, अब किसी भी कीमत पर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। पुष्पा जी को देखे? नहीं क्यों, का मतलब देखे, क्या हुआ पुष्पा जी को? पुष्पा जी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पुष्पा जी है नहीं है। हाँ नहीं है? हाँ मतलब मैं बाथरूम गया था, जैसे वापस आया पुष्पा जी गायब। फोन इधर ही बजेगा। काहे रे? फोन अंदर छोड़ के चली गई है माँ, मेरी भोली माँ। कहाँ गई पुष्पा जी? बाप रे क्या, अरे बाप रे। अरे हमसे जरा पूछिए, हमको पता है पुष्पा जी कहाँ गई। कहाँ कहाँ गई? अरे वो फोन अनाथालय से। साफ बोलना, जल्दी बोलना यार, मुंह में दही जमा कर बैठा है, बोल क्या है पुष्पा जी? अरे वो अनाथालय से फोन आया था, वहां का टारगेट बोर्ड मिसिंग है, वही पहुंचाने गई है। चलिए चलिए चलिए, हटिए हटिए। वैसे मीरा जी अभी तो एकदम 100 की स्पीड से चलती होंगी ना? यस। उम्मीद करते हैं पिकअप भी जल्दी पकड़ लेती होंगी। यस। तो आप कहे नहीं हम लोग से पहले जाकर पुष्पा जी को बचा रही हैं। सॉरी अभी मेरी चार्जिंग से 50% है, 100 की स्पीड से भागने के लिए मुझे कम से कम 80% चार्जिंग चाहिए। कोई पावर बैंक वगैरह? नो। और अब हमारे आज के शो का सबसे नायाब और सबसे खतरनाक आइटम, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सर बिलबोर्ड तो अभी तक आया नहीं, लेकिन अच्छे से संभाल के ये देखिए हम लेकर आए। हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, हमने केस सुलझाया है। आज का ये प्रोग्राम आपके नाम। हाँ। क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज?
आज का दिन ही खराब है। क्या हुआ? अभी अभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया था, उसने बोला कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बिना बताए घर चला गया वो। अरे तो हम बन जाते हैं आपके सहायक। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का एकदम 100%। क्या हुआ? चलिए। अरे अब क्या? बाप रे। चलिए। बहुत बढ़िया किया। चलो 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 चलिए चलिए जल्दी चलिए। कई परसेंट चार्ज हुई मीरा जी? 65%। अब तो हम पक्का SHO बन जाएंगे। अब बताइए क्या करना है? मैडम आपको कुछ नहीं करना है, खाली इधर आके खड़े रहना है आपको। हाँ हाँ हाँ। और आपको ये पकड़ना है? ये पकड़ना है। हाँ, अब क्या करना है बताइए? आपके हाथ बांध देंगे हम और ये जोकर बारी बारी से आपके ऊपर चाकू चलाएंगे। चाकू आपकी जगह पे टारगेट बोर्ड को लगेगा। बस हो गया ये आइटम सिंपल। नहीं नहीं काहे का सिंपल? वो हम पर चाकू चलाएगा तो हमें लग जाएगा। तो हमारे जोकर ये कई सालों से आइटम कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। आज अगर इनका रिकॉर्ड टूट गया तो हमें चाकू लग जाएगा तो हम तो अभी ये हमारी उम्र ही क्या है, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, ये भी कोई हमारी उम्र ही ऊपर जाने की? नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। देखिए मैडम, इन बच्चों की तरफ कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस आइटम को देखने का। कैसा लगेगा इनका उतरा हुआ मासूम सा चेहरा देखकर जब इन्हें पता चलेगा कि आपकी वजह से ये आइटम कैंसिल हो गया है। भरोसा कीजिए मैडम हमारा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रस्सी कहाँ है? हाँ वो ला रहे सर। आराम से। चाकू लेके आइए। हेलो हेलो मदर मार्था, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। जी वो नहीं है, उनका फोन हमारे पास है, बोलिए। हमारी एक टीम मेंबर कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहाँ पहुँची होंगी टारगेट व्हील का बोर्ड साथ में लेकर। जी पुष्पा जी ना वो स्टेज पर ही हैं। जी हाँ दरअसल हमें बहुत अर्जेंट काम है उनसे और वो फोन नहीं उठा पा रही है, उनका फोन लग नहीं रहा है, थोड़ा अर्जेंट है, उनसे बात करा सकती है? हाँ जी जी सुनो माही बेटा, वो स्टेज पे पुलिस वाली है ना पुष्पा जी, उनको ये फोन दे दोगी? पुष्पा आंटी आप ही है ना? हाँ हाँ। हसीना दीदी का फोन आया है। मैडम सर का फोन? हमारे फोन कहाँ, इस हमारे फोन पे क्यों नहीं है? लगा लोगा कान पे लगाओ। हेलो 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 पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर, बोलिए। पुष्पा जी हमारे बात ध्यान से सुनिए, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीरा ने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। उस व्हील के आगे आप पर चाकू से अटैक होने वाला है, आपकी जान खतरे में है, इसलिए प्लीज कुछ भी करिए वहाँ से हट जाइए तुरंत। हेलो पुष्पा जी आपको सुनाई दे रहा है हमने क्या कहा? क्या क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पुष्पा जी रिलैक्स। हेलो पुष्पा जी सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज सब लाइन में आइए प्लीज।
करना है, हमें जाने दीजिए। मैडम प्लीज चिल्लाइए मत। नहीं नहीं हमें करना ही नहीं है ना। अरे क्या करे? मीरा जी आपका परसेंट चार्ज हुई 71%। मीरा जी एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, नहीं हम मानते हैं कि आप एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, लेकिन जो साइंटिस्ट आपको बनाया है ना, माँ कसम एकदम थर्ड क्लास का चीप बैटरी चिपका दिया है आपको। अरे इतना देर में तो हमारे बाबा का बीपी मशीन 10 बार चार्ज हो जाता है। मीरा जी मेरा चार्जिंग सिस्टम धूप की किरणों की ऊर्जा क्षमता पर डिपेंड करता है, आज धूप हल्की है इसलिए चार्जिंग भी स्लो है। अब आपकी बारी है। हमें इस मौके का इंतजार सालों से था पुष्पा सिंह,